जिसका काम है कि जब हम पानी लेवल तक आ जाए तो हमें इंडिकेट कर दे, हमें एक मैसेज दे दे। सर इसका इस्तेमाल हम अपनी घर की टाँकी में, जैसे कि टाँकी में पानी वेस्ट होते रहता, टाँकी भर जाती हमें मालूम नहीं रहता और पानी बहते बहते वेस्ट हो रहा था, जब पानी वेस्ट होता और टाँकी में हमें मालूम नहीं पड़ता। अगर इस सिग्नल का इस्तेमाल हम उसमें करते हैं, हमारे घर टाँकी में करते हैं, तो जब पानी बढ़ेगा और जो उसका पर्टिकुलर लेवल है वाटर का पर्टिकुलर लेवल तक पानी आ जाएगा, तो जब हमें बर्जर के जरिए या फिर लाइट के जरिए एक मैसेज मिलेगा। सर हमें बर्जर के जरिए से या लाइट के जरिए से ऐसा मैसेज मिलेगा और एक आवाज़ आएगी और अपन फौरन भी एक्शन ले सकते हैं और स्विच ऑफ कर सकते हैं। सर इसका इस्तेमाल अगर हम बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो डैम तालाब या तालाब को मानी ओवरफ्लो के आसपास चीज़ों में नुकसान पहुँचाता है, प्रदूषण फैलाता है और पानी का वेस्ट होता है। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम उस पर करते हैं तो पानी का जो पर्टिकुलर लेवल तक आ जाएगा तो हमें मैसेज मिलेगा और हम फौरन उसका कुछ उस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सर इसके और बहुत सारे फायदे हैं, इसके इस्लाम इस्तेमाल भी बहुत सारे हैं लेकिन इसके नुकसान नहीं है। और इसकी एक खामी है, ये पानी का लेवल हमको बताता, हमें मैसेज करता लेकिन उसको रोक नहीं सकता, सिर्फ पानी का लेवल बताता। अच्छी बात।